हेलो दोस्तों, पठान इंडिया में आजकल इसका ही क्रेज है। 250 करोड़ रुपए में बनी ये फिल्म अच्छा खासा कमाएगी। IMDb पे 6.9, कुछ खास नहीं। अगर कुछ खास है तो वो इस फिल्म को बनाने वाले की सोच। यशराज फिल्म्स ने मेनली चार चीज़ों पर फोकस किया है। फर्स्ट, स्टोरी जो कमाल की है, जो हमारे सोल्जर्स को रिप्रेजेंट करती है। सेकेंड, ऑफकोर्स एक्शन प्लस थ्रिलर। थर्ड, कॉमेडी प्लस डायलॉग। मूवी में कई जगह पर आपको दिल छू जाने वाले डायलॉग्स मिलेंगे और हंसाने वाली कॉमेडी। ट्रू मार्वल फैन हो तो आप ये बात जरूर नोटिस करोगे। आखिर में एक सिनेमैटिक यूनिवर्स। यशराज फिल्म्स स्पाई एजेंट्स को लेकर एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाना चाहती है। कहते हैं ना, मूवी तब ज़्यादा मज़ेदार लगती है जब विलेन ज़्यादा समझदार और ख़तरनाक हो। जैसे शुरू से ही मूवी का मेन टॉपिक रक्त बीज नहीं था, ताकि सस्पेंस बना रहे। रक्त बीज जो असल में स्मॉल पॉक्स है, बस जरा म्यूटेट किया गया है। मूवी शुरू होती है एक सीन जहाँ JOCR हेडक्वार्टर्स में एक लड़की की खोज होती है, नाम रूबीना। कहानी आगे बढ़ती है और हीरो की एंट्री होती है। वहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है कि क्यों पठान का इससे कनेक्शन है। आखिर धोखा जो मिला है, प्यार में नहीं सिंगल भाइयों। पठान की दुबई में एक हुई हादसे में जिम से मुलाकात होती है। RAW रॉ एक सीक्रेट एजेंसी, जिन्हें लगता था कि प्रेसिडेंट की जिंदगी ज़्यादा जरूरी है, पर पठान चाहता था कि दोनों साइंटिस्ट की भी सिक्योरिटी बढ़ा दी जाए। आखिर में वही हुआ, जिम ने उनमें से एक को अगवा कर लिया। अभी यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि रूबीना ने पठान को धोखा दिया, रक्त बीज लेकर और जिम को दे दिया पठान का इस्तेमाल करके। पठान का ठीक है, उसने जिम को रोकना चाहा, पर रूबीना को क्या नहीं पता था कि रक्त बीज क्या है? आखिर वो इन साइंटिस्ट को क्यों अगवा करना चाहता था? रूबीना एक ISI एजेंट है और ऐसी सोच। अभी सीन प्रेजेंट में आती है। JOCR वाले पठान के पास जाते हैं। पठान रूबीना से मिलता है। रूबीना ने एक खास तरीके से पठान को बुलाया और कहा, मुझे पता नहीं था जिम के इन खतरनाक इरादों के बारे में। तो अब तक क्या वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था? मूवी कितनी ट्विस्ट हुई देखा। शुरुआत में साइंटिस्ट को बचाना, फिर रूबीना को पकड़ना और आखिर में रक्त भी। बीच में सलमान भाई का कैमियो भी देखा गया। पठान को ट्रेन में बचाना और आखिर में कहना जिंदा रहना, टाइगर को पठान की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ से शुरू होती है स्पाई यूनिवर्स की। सच में बॉलीवुड कुछ करेगी। थैंक्स, लव यू। भाईजान को देखकर व्यूअर्स भी लाइक। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बस दोनों का काम बन गया। व्यूअर्स को चाहिए था मजा और मूवी वालों को चाहिए था पैसा। पैसा ही पैसा होगा। मस्त प्लान। टाइगर 3 जो 21 अप्रैल को आने वाली है, उसकी हिंट भी हमें मिल गई। एंड ऑफ कोर्स पठान हमें उसमें कैमियो रोल में दिखेगा। अब विलन का भी अलग ही स्वैग है। जगह जगह पे वो हीरो को KBC की तरह ऑप्शंस देता है और कहता है, या तो इन्हें बचा लो या मुझे पकड़ लो। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। और बात करें कॉमेडी की, तो टाइगर और पठान जब तक एक साथ होंगे मजा ही मजा आएगा। मूवी के आखिर में वैसे तो और भी ज्यादा ट्विस्ट है जो आप पकड़ नहीं पाएंगे। मैं नहीं बताऊंगा वरना मजा खराब हो जाएगा। मूवी में दिखाया जाता है कि जिम पहले कितना ग्रेट सोल्जर था, पर बाद में वो मोस्ट वांटेड विलेन बन गया। जिम भी रॉ एजेंट था पठान की तरह। ही इज रियली ए ग्रेट सोल्जर। पर जब उसे और उसकी बीवी को पकड़ लिया गया और कुछ रकमों की मांग की गई, तो रॉ ने नेगोशिएट करने से मना कर दिया। तो उन्होंने जिम के आंखों के सामने उसकी बीवी को मार दिया और उसके आने वाले बच्चे को भी। सबको लगा कि जिम मर गया, पर वो जिंदा था। कुछ दिनों बाद जिम को शहीद का दर्जा दिया गया और सम्मान के साथ पुरस्कार दिया गया। देश संकट में है। वाह, तालियां। पर ऐसा तो नहीं कि वो पूरे देश को ही खत्म करने चला? इसी पे पठान ने एक बात कही थी, एक सोल्जर ये नहीं पूछता कि उसके देश ने उसके लिए क्या किया, पूछता है कि वो देश के लिए क्या कर सकता है। ऐसे जज्बा रखने वाले सोल्जर्स को सलाम।
ऐसे ही सिनेमेटिक यूनिवर्स की वीडियो देखने के लिए इन्फिनिटी क्रिएशंस को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन मत भूलना, वरना मुझसे मत कहना कि नोटिफिकेशंस नहीं मिलती। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है समरिया।